हम डिग्री कॉलेज बेमना से है। हमने एग्जाम दिया था स्ट्राइक्स के बाद। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया, नाइंसाफी है हमारे साथ। हमने एक एग्जाम दिया था, सबो स्टूडेंट ने 150 का पेपर होता है, स्पेशली इंग्लिश, इंग्लिश में सबों ने 100 अबव मार्क्स किए थे और कलेक्टली किए होंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है कि वो फाइनल ईयर में आके ऐसे मार्क्स करेगा। और सिर्फ हमें दिए 30-20, आधे को 0, आधे को 0, आधे को 7, आधे को 10, ऐसे मार्क्स दिए इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, सभी सब्जेक्ट्स में। ये पूरा का पूरा सेंटर फेल हो गया, 85% स्टूडेंट फेल हो गए हमारा डिग्री कॉलेज बेमना के। अमर सिंह कॉलेज पर्टिकुलरली इंग्लिश में सिर्फ 54 मार्क्स रखे, इसकी मार्किंग हुई थी अमर सिंह कॉलेज में, जहां का रिजल्ट है 90% और डिग्री कॉलेज का रिजल्ट है सिर्फ 15%, जिसमें वो भी लड़के पास हुए 54 मार्क्स लेके, पास मार्क्स लेके पास हुए हैं बस। पूरा सेंटर फेल है, तीन सेंटर 350 फाइनल ईयर। हमने अगर पेपर 150 में से 150 का पेपर अटेम्प्ट किया है तो उसमें से 0 मार्क्स, 0 ये कौन सा इंसाफ है? और जिसने 100 आउट ऑफ 50 में 100 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो उसको कैसे 130 आ सकते हैं? बाकी कॉलेजेस का कंसेप्चुअल सर, बाकी पूरा सेंटर फेल है। अब बात ये है कि हमारे एंट्रेंस फॉर्म निकले उसका लास्ट डेट 27th को है, जब हम सब फेल है तो हम क्या करेंगे? हमारा पूरा साल जाया हुआ, तो हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें बस हम अपना हक दो, हमारे पेपर चेक, हमारे पेपर चेक करो, रीचेक किया जाए। हमारे पास है ऐसी बात नहीं, हमने पूरा पूरा किया, अगर हमने कुछ किया ये यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, ये यूनिवर्सिटी बच्चों के करियर के लिए नहीं है, बट इट इज ऑल फॉर अ बिजनेस। स्टूडेंट्स को फेल करो, उनसे रिवैल्यूएशन के लिए पैसे, और वो उससे अपना कारोबार चलाओ,